हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स पैक योर बैग विद अंशुल एंड कृति, जहां पर हम आपको लेकर जाते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे साथ ट्रिप पे न्यू मेक्सिको। न्यू मेक्सिको यूएस की सदर्न स्टेट है, जो कि अपनी बाउंड्रीज शेयर करती है कोलोराडो, टेक्सास, एरिजोना। न्यू मेक्सिको के कल्चर में आप थोड़ा मेक्सिकन टच भी देखेंगे, और उसका रीज़न यही है कि न्यू मेक्सिको अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है मेक्सिको के साथ में, और यहाँ का कल्चरल हेरिटेज, आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए न्यू मेक्सिको। हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है डैलस से। यहाँ से हम वाया रोड न्यू मेक्सिको जाएंगे, तो ये एक पूरी लॉन्ग जर्नी, रोड ट्रिप होने वाली है। न्यू मेक्सिको से डैलस की दूरी जो है वो 10 आवर्स, 10 से 10.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए, इसलिए हम बीच में हॉल्ट करने वाले हैं। तो रोड ट्रिप स्टार्ट करने का सबसे पहला रिचुअल अपने पेट्रोल टैंक को फुल कर लेना है, तो हम आए हैं यहाँ पेट्रोल टैंक फुल करने के लिए। ढाई घंटे बाद गाड़ी से बाहर निकले तो उसको मजा आ रहा है। तो हमें बनाने हैं हमारी रोड ट्रिप के वीडियोस, और वीडियोस बनाने के लिए स्क्रीन होनी चाहिए एकदम साफ। तो हमने पेट्रोल पंप की सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ किया है। तो ये है अंशुल शर्मा हमारी स्क्रीन को एकदम क्लीन करते हुए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ विंडमिल्स है, और बहुत ही अमेजिंग व्यू बन रहा है यहाँ से। यहाँ चारों ओर फार्म्स हैं, खुली लैंड है, और इनमें विंडमिल्स चल रही है। और अब होने वाली है शाम, तो ये ढलता हुआ सूरज हमारे सामने है, और हमें मिलने वाले हैं सनसेट के बहुत ही अमेजिंग व्यूज़। रोड ट्रिप का असली फ़न यही होता है कि रोड के किनारे के जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो अभी तक हमने एमरलो में अपने लिए कोई भी होटल बुक नहीं किया हुआ था, तो अभी हमने ऑन वे चलते चलते रास्ते में एमरलो में हाईवे पर ही एक होटल बुक किया है। और अभी चूंकि सीज़न पीक पर है, इसीलिए सारे होटल्स में बुकिंग ऑलमोस्ट फुल है, बट लकीली वी गॉट वन रूम। ये है हमारा रूम, यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले ये रखा है यहाँ पर फ्रिज, तो हम जितना भी फ्रोज़न सामान लेकर आए हैं वो सब हम इस फ्रिज में रखने वाले हैं। ये है माइक्रोवेव, और ये इन्होंने कुकटॉप दिया है ताकि अगर आपको कुछ भी कुकिंग करना है तो उसके लिए उन्होंने कुकटॉप दिया हुआ है, तो बेसिकली एक सूट है। और ये है इसका बाथरूम, तो बाथरूम जो है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा इनका कि क्लीनलीनेस है, बहुत बड़ा नहीं है, लैविश नहीं है, लेकिन क्लीन है। सो दिस इज़ बाथरूम एंड दिस इज़ आर बेड। बेड के साथ में थोड़ा ऐसा हो गया है कि हमें लास्ट रूम बचा हुआ था, चूँकि हमने ऑन द वे ही ये बुक किया है, तो लास्ट रूम बचा था इनके पास में, और ये इन्होंने हमें बोला कि क्वीन साइज़ है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन बेड है, बट ठीक है, एक रात सोने के लिए हम इसे चला सकते हैं। सो ओवरऑल रूम इज़ नाइस, मतलब सूटेबल साइज़ का है,
रात गुजारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एनीवेज हम सुबह 6 बजे यहाँ से वी आर प्लानिंग कि हम चले जाएंगे। बज रहे हैं रात के 12 और हमको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो हम जो भी अपना खाने का सामान लेकर आए हैं वो अभी हम गरम करके खाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि सुबह 6 बजे तक हम यहाँ से निकल जाए। सांता फे पहुँचने में हमें तकरीबन 5 to 6 hours लगने वाले हैं, तो अगर हम सुबह 6 बजे निकलेंगे तभी हम सांता फे 12 बजे पहुँच पाएंगे। सो झटपट से खाना खा के हम बस सो जाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमने कर लिया है चेकआउट अपने होटल से और अब हम जा रहे हैं सांता फे की तरफ। तो सांता फे पहुंचने में हमें यहाँ से लगेगा 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटे की ड्राइव है। ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रास्ते में हमें मिलने वाला है Route 66। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडा भी है, ठंडा प्लीजेंट ठंड है। एमरेलो में आई एम नॉट श्योर होगा कि नहीं ओपन, बट वी हैव कैडिलैक पार्क, वहाँ पर 10 कैडिलैक जमीन पे गड़ी हुई है। तो हम लोग वहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, लोग अपने पेंटिंग वेंटिंग ग्राफिटी लेकर आते हैं स्प्रे पेंट। यस, हमने लास्ट टाइम किया था, हालांकि वो इलीगल है बट स्टिल सब करते हैं। तो हम वहाँ भी एक चांस लेते हुए जाएंगे, अगर ओपन होगा तो हम वो भी देखते हुए जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है कैडिलैक रेंच जो कि है Route 66 एमरेलो पे। ऐसा कहा जाता है कि दिस रेंच इज़ बिल्ट बाय अ ग्रुप ऑफ 8 हिप्पीज जो कि सैन फ्रांसिस्को से आए थे, बट उनके एक साइलेंट पार्टनर यहाँ एमरेलो में थे जो कि काफ़ी पैसे वाले थे। ही वॉज़ अ बिलियनियर एंड ही वॉन्टेड अ पीस ऑफ आर्ट वर्क, पब्लिक आर्ट। सो ये 10 कैडिलैक जो थे इन्हें ज़मीन पर उल्टा करके गाड़ दिया गया, उल्टा करके इन्हें लगा दिया गया। और ये अपने आप में कैडिलैक उस टाइम पर बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, बहुत पॉपुलर कार थी। सो ये 10 से 12 साल में ये बन के तैयार हुआ है और ये काफ़ी पॉपुलर था पहले भी, बट आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट हो गई है और हम यहाँ पर आ गए हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुझे लगा था कि 6:30 बजे यहाँ पर जानता है और क्राउड भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि 6:30 बजे सुबह भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। मे बी ये Route 66 पे है और रूट भी काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ से काफ़ी ट्रैवलर्स और टूरिस्ट यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो इस रास्ते से चलते चलते बहुत ही ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि देख रहे हैं आप थ्रू आउट पूरे रास्ते विंडमिल्स है और बहुत ही प्यारा मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, क्योंकि अभी जो है वो हार्डली 9 o'clock हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है और व्यूज़ इतने प्यारे हैं रास्ते के कि बस यू कैन सी। यहाँ से हम जा रहे हैं सांता फे की तरफ, तो सांता फे जाने के लिए लगता है 5 घंटा और रास्ते का व्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम न्यू मेक्सिको में एंटर करेंगे पूरी ज्योग्राफी सब कुछ बदल जाने वाली है। तो आप देख रहे हैं दूर दूर तक आपको प्लेन्स ही नज़र आ रहे होंगे, यू तो टेक्सस में भी प्लेन्स है लेकिन फिर भी टेक्सस की ज्योग्राफी और न्यू मेक्सिको की ज्योग्राफी में थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी हम यहाँ पर न्यू मेक्सिको एमरेलो से आगे बढ़ गए हैं और न्यू मेक्सिको में एंटर करने वाले हैं। तो
हम एंटर हो गए हैं न्यू मेक्सिको में, और न्यू मेक्सिको में एंटर होते ही यहाँ पर सामने हमें दिख रहा है विजिटर सेंटर। तो ये हमारा हाईली रिकमेंडेड फैक्ट है आपको कि किसी भी स्टेट में या नई जगह पर जाने के पहले आप उसके विजिटर सेंटर को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको उस जगह के लोकल स्पॉट्स की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मैप्स मिल जाते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होता है ये सब। तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग अगर किसी भी नए स्टेट में एंटर कर रहे हैं या सिटी में जा रहे हैं तो वी ऑलवेज विजिट द विजिटर सेंटर। 5 घंटे की जर्नी में हमारी हालतें हो गई है ख़राब, तो अपनी हालत थोड़ी सी ठीक करके हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे, आप देख सकते हैं, ब्रोशर्स रखे हुए हैं और बहुत सारे पैम्पलेट्स रखे हुए हैं जो कि न्यू मेक्सिको स्टेट के बारे में आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स, यहाँ के होटल्स, यहाँ के स्पॉट्स, गैलरीज, सब कुछ है यहाँ पर। और हम सबसे पहले जाकर यहाँ पर मैप कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं ये मैप बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। No, it's beautiful. Santa Fe is beautiful. तो आने वाला है रूट, हिस्टोरिक रूट 66 के लिए एक एग्ज़िट। वैसे तो हम रूट 66 पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में बहुत सारे एग्ज़िट्स होते हैं जो कि आपको ऐसी विलेजेस के अंदर से लेकर जाते हैं जो कि पूरी तरह से उजाड़ और वीरान हो चुकी है। रूट 66 पहले जो था, पुराना रूट 66, वो अब बंद हो गया और नया उसके पैरेलली रोड बना दिया है। इसलिए पुरानी रोड पर जो भी दुकानें थी, घर थे, होटल्स थे, मोटल्स थे, वो सारे बंद हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग उन्हीं होटल्स में और मोटल्स में अभी भी स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अब जो पुराना हाईवे था, जो कि काफ़ी फेमस हाईवे था यूएस का, वो एक हिस्टोरिकल साइट बन गया है, तो लोग वहाँ पर जाके इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, ये दुकानें, पेट्रोल पम्प, ये सब आपको बंद दिखेंगे। काफ़ी सारी जगह यहाँ पर जो कहते हैं हॉन्टेड हो चुकी है, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक एग्ज़िट लेकर किसी रूट 66 की किसी एग्ज़िट पर जाकर उस जगह को पूरे अच्छी तरह से घूम के वापस नए हाईवे पे मर्ज हो सकते हैं। तो हम भी वही करने वाले हैं। और ये है रूट 66 का मॉन्यूमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर आपको ऐसे मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे रूट 66 के, और म्यूज़ियम्स भी मिल जाएंगे। तो म्यूज़ियम हम देख रहे हैं, लेकिन लुक्स लाइक इट्स क्लोज्ड। तो हम मॉन्यूमेंट के पास में जाते हैं, ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वापस आते हैं।
ये कैडलिक के शेप का बना हुआ मॉन्यूमेंट है। And this is a museum. तो अब हम वापस से मेन हाईवे पे मर्ज हो गए हैं और हम जा रहे हैं सांता फे की तरफ। और सांता फे जाते हुए ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीधा सीधा लंबा रोड आपको मीलों तक दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो का फर्स्ट, अपनी न्यू मैक्सिको की ट्रिप का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड कर रहे हैं। और हमारे साथ हमें इस जर्नी में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। और न्यू मैक्सिको की आगे आने वाली ट्रिप के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू सो मच।